हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी में पड़ी दरार, कांग्रेस का स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान। गठबंधन की सरकार में साथ देने के बावजूद कांग्रेस महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। राज्य इकाई के प्रमुख नाना पटोले ने बुधवार को कहा कि इसके लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्य में पार्टी के भविष्य के लिए एक मास्टर प्लान प्रस्तावित किया है। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी MVA के तहत गठबंधन की सरकार में होने के बावजूद कांग्रेस अकेले ही स्थानीय चुनाव लड़ेगी। आने वाले दिनों में पार्टी की रणनीति पर चर्चा करने के लिए नाना पटोले ने कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी HK पाटिल के साथ मंगलवार को राहुल गांधी से मुलाकात की। नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए मेरा सपना पार्टी को नंबर एक बनाना है। राहुल गांधी ने एक मास्टर प्लान दिया है जिस पर काम किया जाएगा। हम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कुछ भी करेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में पार्टी नेताओं ने संगठन गठन पर भी चर्चा की। ये पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में MVA सहयोगियों शिवसेना और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ेगी या अकेले लड़ेगी, नाना पटोले ने कहा कि चुनाव 3 साल बाद है, इस पर पार्टी अलग-अलग निर्णय लेंगी। ये बयान MVA सरकार के दलों के बीच चल रही दरार के बीच आया है। इससे पहले पटोले ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र सरकार उनका फोन टैप कर रही है और कुछ लोग कांग्रेस के पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। दरअसल ऐसी खबरें हैं कि महाविकास अघाड़ी में दरार बढ़ती जा रही है। NCP सूत्रों ने भी ये बताया कि कुछ MVA नेता नाना पटोले द्वारा हाल ही में उनकी पार्टी के महाराष्ट्र में बढ़ते प्रभाव के बारे में दिए गए बयानों से नाराज हैं। हालांकि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, HK पाटिल और राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट ने पिछले हफ्ते सिल्वर ओक में शरद पवार से उनके आवास पर मुलाकात की और आश्वासन दिया कि MVA सरकार स्थिर है। उन्होंने शरद पवार को ये भी भरोसा दिया कि MVA गठन पर कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले के बयानों को दोहराया नहीं जाएगा। जागरूक टीवी की मुंबई से खास रिपोर्ट।